हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्कल्स ट्रायंगल्स की। जैसे कि आपने बोर्ड पर तो देख ही लिया होगा दोस्तों, ये होता क्या है, इसका एप्लीकेशन किस तरीके से होता है और इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है और कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ है, मैं सारी चीज़ें आप लोग को समझाऊंगा और बहुत काम की चीज़ें मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देता है, बहुत सिंपल तरीके से हमको चीज़ों को समझा देता है ये पास्कल ट्रायंगल, और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है वो आज मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। अगर कोई क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन भाई जिंदाबाद, वहां पे कमेंट कर देना। और उसके अलावा आप लोग बिंदास मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो सारी चीज़ों को अगर आज आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे आर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आप लोग आपके डाउट में ऐसे इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे और मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो मैंने पहले ही बता दिया, पास्कल ट्रायंगल के ऊपर बेस होने वाला है। होता क्या है, कैसे करते हैं इसे सॉल्व, तो वो मैं आप लोग को सारी चीजें समझाने वाला। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है दोस्तों, कभी कभी हम लोग को हायर टर्म्स मिल जाते हैं, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर उसका फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस बी का क्यूब उसका फॉर्मूला हमें पता है, बट कभी ए प्लस बी रेस्ट टू 4 मिल गया तब क्या करेंगे, तो उसका एक्सपांशन किस तरीके से करना है उसमें हेल्प करता है हम लोग को पास्कल्स ट्रायंगल। और पास्कल्स ट्रायंगल को अप्लाई करेंगे और समझेंगे आज की चीजों को। चलो स्टार्ट करता हूं, आज की बेसिक चीजों को मैं आप लोग को बता देता हूं। सपोज मुझे ए प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है तो वो फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये सभी को पता है। बट कभी कभी माइनस होता है तो अपन बस यहाँ पर एक माइनस कर देते हैं। सिमिलरली ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और उसी के साथ साथ लास्ट में क्या आ जाता है, बी क्यूब। लेकिन सपोज यहाँ माइनस हुआ तो अल्टरनेट प्लस माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर तीसरा माइनस, इस तरीके से हो जाता है। उसी तरीके से ये रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला तो हमें आता ही नहीं है। देन अपना पास्कल्स ट्रायंगल पिक्चर में आता है इस तरीके से और सभी को बहुत इजीली वैल्यूज बता देता है। तो पास्कल ट्रायंगल को पहले समझते हैं और पास्कल ट्रायंगल हमें देता क्या है उसको अभी अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो पहले आगे वाले स्लाइड पे पास्कल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक नंबर में ले लेता हूं, मान लेते हैं कि मैं 1 के साथ स्टार्ट करूंगा। हमेशा पास्कल ट्रायंगल को जब भी ड्रॉ करना होगा तो अपन नंबर लेंगे 1 और 1 के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1, क्या लिख दिया 1, 1 को दो पैर देना। जैसे दो पैर दूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 1 को दो पैर दे दिया, आगे क्या करेंगे, 1 में से 2 1 निकलेंगे, एक 1 यहाँ गया एक 1 यहाँ गया। अब हर एक 1 में से दो, हर एक नंबर में से दो दो पैर निकालना है आप लोग को। जैसे यहाँ पर एक 1 आ गया, अब देखो यहाँ पर एक 1 आ गया, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर दो 1 आकर मिलेंगे बीच में और 1+1 क्या हो जाएगा, 2। मेरे हिसाब से ये आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ फिर से समझाता हूँ, देखो फिर से ध्यान देना, अगर नहीं समझ में आया फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर 1, 1 में से दो पैर निकालूंगा, एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ, 1 और 1 यहाँ पर। अब इनमें से दो पैर निकालूंगा, एक पैर इस तरीके से। अब ये 1 यहाँ पे कैसे गया, ये 1 यहाँ पर, बीच वाले 1, 1+1 कितना हो जाएगा, 2। ये क्लियर हो गया। फिर से मैं दो पैर निकालूंगा, अब ध्यान देना मैं फिर से दो पैर निकाल रहा हूँ, यहाँ पर निकालता हूँ, देखो ध्यान देना। अब यहाँ पर मैंने दो पैर यहाँ निकाले, दो पैर यहाँ निकाले, 2 का क्या करेंगे, इसमें से भी दो पैर निकाल लेंगे, ये 1 यहाँ पे ये 1 यहाँ पे, पहले 1-1 को सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर देखो 1 और 2 आकर मिल रहे, यहाँ पर 1 खसक के आएगा, यहाँ पे 2 कितना आ जाएगा, 3। सिमिलरली यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 कितना आ जाएगा, 3। ये आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर से दो पैर और निकालते हैं, फटाफट करेंगे, अब चीजें को बहुत अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 3 और 3 कितना हो गया, 6। इस तरीके से आ गया। फिर से 1 को पैर तोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी सबको पैर लगा दो दोस्तों फटाफट से, यहाँ पर भी पैर यहाँ पर भी पैर, यहाँ पे 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। 6 और 4 हो जाएगा, 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और फाइनली मिल जाएगा 1। ये हो गया। अब एक और बार कर लेते हैं फटाफट से, चलो देखते हैं और कहां तक जाएगा, जहां तक आप लेके जाना चाहें वहां तक ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पर 1, 5 और 1 6, 6 और 5 15, यहाँ पर हो गया 20, यहाँ पर हो गया 15, यहाँ पे आ गया 1, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर 5 और 1 कितना आ गया, 6 और फाइनली यहाँ पर आ गया 1। फिर से ब्रेक करेंगे फटाफट, कर दो, एक और स्टेप लेते हैं, उसके बाद आप लोग करते बैठना, आगे ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 1, 6 और 1 कितना हो गया, 7। ये कितना हो गया, 21। ये कितना हो जाएगा, 35। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 15, ये भी हो जाएगा 35। यहाँ पर मिल जाएगा 21, यहाँ मिल जाएगा 7, यहाँ पे मिल जाएगा 1। ऐसे ही चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। अब इसका क्या करें, चलो इसको समझते हैं। ये हम लोग को देता है हमारे जो भी वैल्यूज आने वाली ना, ए प्लस बी रेस्ट कुछ भी है उसके कोएफिशिएंट्स देता है। क्या देता है, कोएफिशिएंट।
देखो मैं समझा देता हूँ, जैसे कि मुझे मालूम करना है ए प्लस बी का रेस टू जीरो, ए प्लस बी रेस टू जीरो क्या होता है, तो सबको पता है एनीथिंग रेस टू जीरो ये होता है वन, क्या होता है वन। उसी तरीके से यहाँ पर देखो ये वन वन क्या लिखा हुआ, तो इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मेरे पास लिखा होगा, मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ ए, ए प्लस बी रेस टू वन लिखा हुआ है, तो रेस टू वन तो सेम ए प्लस बी। अब आप लोग गौर करो इसके कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर मेरे पास कोएफिशिएंट के कुछ नहीं मतलब क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर गौर करना, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या, यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब क्या है वन, तो ये वन वन जो दे रहा है इसे कोएफिशिएंट्स दे रहा है। अब चलो तीसरा समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब मान लो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये मुझे पता है फॉर्मूला। अब कोएफिशिएंट पे गौर करते हैं, यहाँ पर क्या वन टू वन, तो यहाँ पर गौर करना यहाँ पर मेरे पास कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं, देखना ध्यान देना, यहाँ पर मेरा कोएफिशिएंट है वन, यहाँ पर है टू, और यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब क्या है वन, तो वन टू वन आ रहे कि नहीं आ रहे। अब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला विद कोएफिशिएंट बनाएंगे, फॉर्मूले से नहीं बनाएंगे, देखना। अब मैं कोएफिशिएंट जाता हूं, तो ए प्लस बी का क्यूब है, तो कोएफिशिएंट क्या है वन थ्री थ्री वन, यहां पर मेरे पहले लिखता हूं वन थ्री थ्री वन। अब मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों, देखो यहां पर क्यूब है तो मैक्सिमम पावर यहां पर क्या आएगा, पहले ए का क्यूब, और देखो यहां पर बी भी आएगा, लेकिन बी रेस टू क्या हो जाएगा जीरो, एकदम जीरो। अब क्या करेंगे, इसको एक से रिड्यूस करेंगे, इससे को एक से इंक्रीज करेंगे, ध्यान देना, ए का क्यूब एक से रिड्यूस किया तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, और इसको एक से इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी इसको सेम टू सेम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे एक और पावर रिड्यूस करेंगे, तो हो जाएगा ए रेस टू वन, और ये एक से इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे इसके पास जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए के पावर में एक और रिड्यूस करेंगे तो जीरो, और बी का क्यूब। अगर थोड़ा सही तरीके से देखा जाए, अब देखो प्लस है तो सब कुछ प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब पावर को जरा ध्यान देना, बी रेस टू जीरो कितना हो जाएगा वन, और एन वन को किसी से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर, तो ये मिलेगा मुझे ए क्यूब। इसी तरीके से इस पे ध्यान दो, बी रेस टू वन मुझे मिलेगा बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या ए रेस टू वन, देखो यहाँ पर एक बी रह गया, बी को लिख दो, यहाँ पर देखो थ्री ए रेस टू वन ए ही बचेगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए रेस टू जीरो कितना होगा वन, वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन वन गायब, यहाँ पे बच गया बी क्यूब। तो देखो फॉर्मूला याद करो, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, वही फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से आप लोग को लिखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी, ये क्या दिया हुआ है, तो ये मुझे दिया रहेगा, देखो यहाँ पर ए प्लस बी रेस टू फोर के लिए वैल्यू दिया रहेगा, इसको फटाफट से यहाँ पर मैं आप लोग को लिखकर दिखा देता हूँ। अब फिर अपन पीछे जाके पिछले वाले स्लाइड में जाके बाकी के वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। कोएफिशिएंट पहले लिख लो वन, लिख लो वन के बाद क्या आएगा फोर, उसके बाद क्या आ जाएगा सिक्स, ठीक है, थोड़ा सा साइड में करता हूँ, यहाँ पे जगह मेरे हिसाब से थोड़ा कम पड़ सकता है, थोड़ा इधर कर लेते, थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ, अरे सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे खिसका लेते हैं, उसके बाद सिक्स के बाद क्या फिर से फोर है, और यहाँ पे जगह नहीं तो मैं नीचे लिख लेता हूँ वन, ठीक है, कोएफिशिएंट लिख लिया मैंने। अब मुझे प्लस में निकालना तो कोई दिक्कत नहीं, सब जगह मैंने प्लस प्लस लगा दिया हुआ है। अब ध्यान देते हैं मैक्सिमम पावर कितना आएगा फोर, तो ए के पावर में फोर, बी के पावर में क्या आएगा जीरो, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बी रेस टू जीरो क्या होता है वन। अब ए के पावर एक कम कर दो कितना जाएगा थ्री, और बी की एक बढ़ा दो मतलब बी रेस टू वन बी रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ए की पावर एक और रिड्यूस कर दो कितना हो जाएगा टू, और बी की पावर एक और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा टू, सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ए की पावर एक और से इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा थ्री, और बी की पावर सॉरी बी ए की पावर क्या कर देंगे एक से रिड्यूस कर देंगे तो हो जाएगा वन, और बी की पावर इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा थ्री। आगे ए की पावर रिड्यूस कर दो एक और, वन से रिड्यूस करेंगे तो जीरो, और ए रेस टू जीरो कितना होता है वन होता है, तो वन लिखने की जरूरत नहीं, और यहाँ पर क्या जाएगा बी रेस टू कितना हो जाएगा फोर। आप लोग गौर करो सब कुछ अपने सॉर्टेडली लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा ए रेस टू फोर, ये फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब, और यहाँ पर बी रेस टू फोर। इस तरीके से हमें पास्कल ट्रायंगल क्या वैल्यू दे देगा, ए प्लस बी रेस टू फोर का वैल्यू दे देगा, समझ में आ गया। अब यही तरीके से अपन बाकी के कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर ना मैंने सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सॉर्टेड करके आपको बता दिया हुआ है, जैसे कि ये रो में हम लोग को दे रहा है ए प्लस बी रेस टू सिक्स का वैल्यू, ये हम लोग को दे रहा है ए प्लस बी रेस टू सेवन के कोएफिशिएंट्स। बस अब देखो हम लोग को निकालना क्या क्या था उसके ऊपर चाहता है, हम लोग क्या निकालना था ए प्लस बी रेस टू सिक्स सपोज निकालना, ए प्लस बी रेस टू सिक्स के कोएफिशिएंट लिख लेते फटाफट से, यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट क्या आ जाएंगे वन सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्स वन वन सिक्स फिफ्टीन वन सिक्स फिफ्टीन, यहाँ पे लिख लो वन थोड़ा गैप देखे प्लस सिक्सटी वन सिक्स प्लस फिफ्टीन प्लस उसके बाद ट्वेंटी उसके बाद प्लस फिर फिफ्टीन, ठीक है। आगे फिफ्टीन के बाद क्या आ जाएगा फिर से सिक्स आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा वन,
अब इसको अपन एक्सपांड करते हैं अलॉन्ग विद देयर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर, ए और बी कोएफिशिएंट तो अपन ने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हाईएस्ट पावर कितना है, सिक्स, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर सिक्स का आएगा, बी का पावर जीरो आएगा। अब एक से रिड्यूस कर दो ए को, तो ए हो जाएगा फाइव, बी हो जाएगा वन। फिर ए को से रिड्यूस कर दो, ए हो जाएगा फोर, बी हो जाएगा टू। समझ में आ रहा है। आगे ए को एक और से रिड्यूस करेंगे कितना हो जाएगा थ्री, और यहाँ पे बी भी कितना हो जाएगा थ्री। एक आगे जाते हैं, ए को रिड्यूस कर दो ए को से टू, यहाँ पे हो जाएगा फोर। ए को से रिड्यूस किया तो वन, यहाँ पे हो जाएगा फाइव। एक और से रिड्यूस किया जीरो, यहाँ पर कितना हो जाएगा सिक्स। आप थोड़ा शॉर्ट करके लिख लो, वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा ए रेस टू सिक्स, बी रेस टू जीरो, वन होता है, कोई जरूरत नहीं है। सिक्स ए रेस टू फाइव बी, फिफ्टीन ए रेस टू फोर बी स्क्वायर, और इसके बाद ट्वेंटी ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है। आगे फिफ्टीन ए स्क्वायर बी रेस टू फोर, फिर सिक्स यहाँ पर कितना ए बी रेस टू फाइव, और फाइनली वन लिखने की जरूरत नहीं, ए रेस टू जीरो भी वन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी रेस टू सिक्स। इस तरीके से आप लोगों को ये वैल्यू मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में कभी किसी ने पूछ ले ए रेस टू ए प्लस बी रेस टू एट, बस यहाँ पे आप लोगों को ना एक स्टेप और आगे जाना है, आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप एक स्टेप आगे जाएंगे, आराम से मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये फंडा भी क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग किसी भी फंडे का, जब भी किसी भी कैसा भी क्वेश्चन होने दो, हम लोग किसी का भी कोएफिशिएंट लिख के हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आप लोग को निकाल कर दिखा दिया, बच गया ये निकाल लो। और एक छोटा सा और होमवर्क ले लो, क्या ले लेंगे, ए प्लस बी रेस टू एट, इसे एक बार ट्राई कर लेना, अगर ये आप लोग को आ रहा है ट्राई करना दोस्तों, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो रही रहेगी तो आप आराम से हम लोग को डाउट मुझसे मेरे आपके डाउट क्लियर करके ले सकते हैं। पहली बात तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि ये वीडियो में किस स्टेप पे आप लोग को डाउट आया है। अगर जो डाउट वहां पर क्लियर नहीं हो रही तो आप लोग सिंपली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, तो मैं वहां पर भी आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, और पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके दोस्तों अब बेल आइकन को भी जरा से दबा देना, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपको आगे वाले टाइम पर भी आगे जाकर मिलने वाले, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आप ऐसे ही कुछ बेहतरीन फंडों को समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।